अरे तुम बार बार धुआं भरते हो, होता तो कुछ नहीं। पता नहीं दिमाग के यंत्र ज्यादा खराब है या तुम्हारी किस्मत। तुम्हारा दिमाग ज्यादा खराब है तो कर देते हैं ब्रिगेंस का दिमाग ठीक है। काफी इविल धुआं मिल गया हमें वीरपा, अब हम टॉयज को वापस रिएक्टिवेट करते हैं। पहले खुद को तो डीएक्टिवेट होने से बचा लो रे। तुमने जैसे मेरा अंत किया था, आज मैं वैसे ही तुम्हारा अंत करूंगा। स्ट्रेच क्यों नहीं हो रहा? अरे भगवान जी, अभी वापस क्या हो रहा है? अभी तो सब ठीक था, मैं अपना हाथ भी स्ट्रेच कर पा रहा था और सबको छू भी पा रहा था, अब क्या हो गया? ये सब बंद क्यों हो गया? मैंने कहा था तुम अपनी मृत्यु का बदला नहीं ले सकते। वाह, मतलब गाड़ी दे दी और स्टीयरिंग व्हील नहीं दिया, स्टीयरिंग व्हील दिया तो टायर निकाल लिए और टायर दे दिए तो ब्रेक निकाल लिए, मतलब एक चीज है तो दूसरी नहीं। अब ऐसे तो कैसे काम चलेगा भगवान जी, आपको मेरी मदद तो करनी पड़ेगी ना भगवान जी। हेलो हेलो, अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है विवान। ये वीर सूक्ष्म जांच यंत्र है बालवीर, इसके अनुकिरणों से हमें अभी पता चल जाएगा कि इस खिलौने पर कौन सी बुरी शक्ति का जादू है। इतना भयंकर जादू, संभाल के अंकल। हाँ। उससे रियल फायर निकला था। हाँ। स्कूल में साइंस पढ़ती हो ना बेटा? साइंस तो मैं पढ़ती हूँ, पर आज जो देखा ना उससे मैं पूरी साइंस ही भूल गई। वैसे साइंस के हिसाब से ये सब इम्पॉसिबल है, पर क्या आपको नहीं लगता कि साइंस के पास भी हर क्वेश्चन का जवाब नहीं होता? साइंस के पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है, और जिसका आंसर नहीं होता उसे हम भ्रम कहते हैं। इधर आओ और बताओ क्या किया इन टॉयज ने। क्या कर रहे हो? सोशल डिस्टेंसिंग, पीछे रहो। हम यहीं से बता देते ना। हाँ, एक्चुअली हम लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। हाँ। दूर रहना ही अच्छा है। हाँ। ताकि ये अटैक भी करे तो सिर्फ आप ही को लगे। हाँ। हमें ना लगे। क्या हुआ बालपरी, कौन सी जादुई शक्ति है ये? ये काला धुआं देख रहे हो बालवीर,
इसका मतलब है कि इस पर सिर्फ किसी बुरी शक्ति का असर नहीं है, बल्कि इसके अंदर किसी पौराणिक बुरी शक्ति का अंश भी मौजूद है। बालपरी, ये कौन सी पौराणिक शक्ति है? इस धुएं में वो जहरीला पदार्थ है जो पौराणिक काल में बनाया गया था। पर बालपरी, इस जादू की तोड़ के लिए हमें पौराणिक काल में तो नहीं जाना पड़ेगा ना? इस जादू को नष्ट करने वाली शक्ति तो होगी ना वीरलोक में? नहीं बालवीर, वीरलोक में ऐसा कोई जादू यंत्र नहीं है जो इस जादू को नष्ट कर सके। लेकिन हाँ, एक शक्ति है जो इसके जहरीले असर को खत्म कर सकती है, और वो है अमृत। और अमृत उन्हें मिलेगा नहीं, अगर मिलेंगे तो मेरे इविल टॉयज और उनसे मचाया हुआ विनाश। और तब तक क्या हम अंताक्षरी खेलेंगे? नहीं 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 प्रेगेंसा, खेलेंगे तो हम भारत नगर के लोगों की जिंदगियों के साथ, क्योंकि अब टाइम है टॉयज को मेरे पॉइजन से रिचार्ज करने का। लेकिन तुम तो हाथ बनोगे। अगर ये काला धुआं खिलौने के बजाय किसी दूसरे चीज में चला गया तो? तुम बचपन से ही बेवकूफ हो या फिर वो स्पेशल कोर्स किया है तुमने? क्यों, तुम्हें भी करना है वो स्पेशल कोर्स? नहीं ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैं तो धुआं टॉयज में ही जाएगा। जिस तरह मैग्नेट लोहे को अपनी तरफ खींचता है, ठीक उसी तरह ये धुआं जिन जिन टॉयज में एक बार जा चुका है, वो टॉयज अपने आप इस धुएं को अपनी तरफ खींच लेंगे। अच्छा, और फिर वो टॉयज बन जाएंगे डबल इविल। अमृत? लेकिन बालपरी, मुझे अमृत मिलेगा कहाँ? अमृत को ढूंढना इतना आसान नहीं है बालवीर। टॉय की बैटरी तो हमने निकाल दी थी, फिर ये रिस्टार्ट कैसे हो गया? बिना अमृत के हमें इसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। टेम्पररी ही सही, बट इसका सॉल्यूशन तो हमें निकालना ही होगा। आइडिया, और आयश का सॉल्यूशन है फायर। यस, बालपरी आप ऐसे ही स्ट्रॉय को संभाली, तब तक मैं जाकर भारत नगर के लोगों को बाकी सारे टॉयज से सेव करता हूं। देखिए, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, इन टॉयज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है आप सबको भ्रम हुआ होगा, टॉयज ऐसे ही अचानक अटैक नहीं करते। अरे नहीं, सच में मारा था। हाँ। मेरा हाथ भी चलाया था। हाँ। इस टॉय ने मुझ पर अटैक किया,
कैसा लगा अटैक? तुम खुद खा के देख लो। हम तो खा चुके, इसलिए हम टॉयज से सोशल डिस्टेंसिंग मना रहे थे, तभी तो हम अभी तक बचे हुए हैं। नहीं बचे भैया, वो देखो। बुलाया बालवीर आया। भगवान जी, अब इस बार मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? चुंडी, ये डोर तो गायब हो गया। अरे वाह, चिंडी चिंडी बीजे। अगर तुम ऐसे अटैक करते रहोगे तो मेरी लाइव वाली फ्रॉक जल जाएगी। अगर तुम्हें जलानी है चिंडी भैया की टी शर्ट जला दो। ए, क्या बोल रही चिंडी? मेरा मतलब है कि रिंकू के, सूतली के, अनन्या दीदी के जला लो। मेरे क्यों जलाना है? प्लीज मेरे पास मत आओ ना, मेरी लाइव फ्रॉक मत जलाओ ना। प्लीज 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 मत इधर आओ। प्लीज मशाल रुक गई। मशाल टॉय ने मेरी बात मान ली। चिंटू भैया आप भी रिक्वेस्ट कर लो हाथ जोड़ के। चिंडी मैं हाथ क्या, मैं तुमके पाव भी पढ़ लू। प्लीज मशाल टॉय, प्लीज हमारी बात मान जाओ ना। प्लीज हम प्रॉब्लम मत करो। प्लीज हाँ, चिंडी तो सच में रुक गया। अरे खुशी, रिंकू, सुनली, अनन्या दीदी, सुनो मोंटू भैया, पापा, ये हमारी बात सुन सकते हैं। अगर आप इनके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हो तो ये लोग रुक जाएंगे। छोड़ दे, छोड़ दे, तू बहुत अच्छा है, छोड़ दे।
इन टॉयज ने हमारी बात सुन ली। ओ हेलो, अभी कह रहे हो कि टॉयज बात सुन रहे हैं, थोड़ी देर में बोलोगे कि टॉयज बोलने भी लगे हैं। कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम है यहाँ पे, चेक तो करना ही पड़ेगा कि टॉयज बात सुन के रुक जाए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल करना पड़ा मुझे, क्योंकि जब तक अमृत नहीं मिलता तब तक नष्ट भले ही नहीं कर सकता, लेकिन रोक तो सकता हूँ इन्हें और इन टॉयज के एविल पावर को। बहुत अच्छे विमान, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए। वो छोटे लेकिन काम बड़ों वाले कर रहे हैं। गुड। अरे धुएं के बजाय चवनप्राश खिला दो इन टॉयज को, हर दो दो मिनट में थक कर रुक रही है। पर इस पर जो जहरीला धुआं डाला है तुमने इनमें, उससे तो ये खिलौने नहीं रुकने चाहिए थे, तो फिर ये खिलौने रुक कैसे गए? अरे मुझे तो लगता है आपकी तरह रे भी कहना चाहिए। रे नाम है मेरा, काम बिगाड़ना काम है मेरा। Shut up, Brigenza. ये टॉयज रुके हुए हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐसे ही रहेंगे। अमृत के अलावा कोई ऐसी शक्ति नहीं अर्थ पे जो इन टॉयज को डिस्ट्रॉय कर सके। So just wait and watch. Guys, यही चांस है। अब अगर ये टॉयज रुके गए हैं तो हमें यहाँ से भागना चाहिए। Let's move, guys. भागो, भागो। बहुत खतरनाक जादू किया गया है इन खिलौनों पर, चाहे जितनी कोशिश कर लो ये रुकते ही नहीं। लेकिन जब तक ये नहीं रुकेंगे मैं भी नहीं रुकूंगा। वाह कमाल है भगवान जी, आप एक किताब बना के क्यों नहीं दे देते, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। क्योंकि अब तो मैं इन खिलौनों को छू पा रहा हूँ, अभी कुछ पलों पहले मैं इन खिलौनों को हाथ खींचकर छू भी नहीं पा रहा था। अब अचानक ये टॉय रुक कैसे गया? इस पे तो मैंने कोई मैजिकल पावर यूज की ही नहीं। ये पसल तो सुलझाने के बजाय उलझता ही जा रहा है। कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जिससे ये टॉय दोबारा स्टार्ट ना हो। पर क्या? यस, रॉकेट। रॉकेट जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर अंतरिक्ष में जाते हैं वो ऑटोमेटिकली जलने लगते हैं। तो अब तो मुझे भी इन टॉयज को अंतरिक्ष में भेजना पड़ेगा ताकि ये खुद ही जलकर डिस्ट्रॉय हो जाए। वापस चले गए? सही है। मुझे तो लगता है कि सब बालवीर ने किया होगा। हाँ बालवीर, पर बालवीर तो दिखा नहीं। लेकिन दीदी दिखती तो हवा भी नहीं है, तो हो सकता है बालवीर ने भी इनविजिबल होकर कोई जादू किया। थैंक यू बालवीर, थैंक यू सो मच। लेकिन अभी आप सब लोग जल्दी घर जाइए। अरे हाँ, अरे पापा घर चलो, मोटू भैया घर भागो। उन दो टॉयज को भी जैसे किसी इनविजिबल पावर ने रोका था, अब ये फ्रेंडली पावर कौन सी है? कोई तो इनविजिबल पावर है जो विवान की हेल्प करे, कोई अननोन पावर, लेकिन
वहाँ जो नहीं दिख रहा है वो सब काम का है, और यहाँ लोग सामने होकर भी बेकार है। बेकार की बात मुझे पसंद नहीं है ब्रिगेंजा। लेकिन ये कौन सी शक्ति और आई कहाँ से? पहले जो समस्या सामने है उसके बारे में सोचो रे। समस्या से याद आया सुंदरी जी, क्या कह रही थी आप? पर खिलौने जो अंतरिक्ष में गए हैं, अगर बालवीर का जादू वहां चल गया तो? Don't worry, lady Birba. अगर जमीन आसमान एक करने पड़े तो वो भी करूंगा मैं, लेकिन इस बार बालवीर को बच्चे सेव नहीं करने दूंगा मैं। विवान, क्या सोच रहे हो तुम? यही कि यहाँ जरूर कोई इनविजिबल पावर है। यू मीन घोस्ट? दीदी घोस्ट नहीं, दोस्त। ये इनविजिबल पावर कोई फ्रेंडली पावर है, तभी तो वो टॉयज अटैक करने से पहले ही रुक गए। यू मीन वो टॉयज तुम्हारे मैजिक से नहीं रुके थे? नहीं दीदी, बल्कि मैंने तो कोई मैजिक किया ही नहीं था। लेकिन वो पावर इनविजिबल होके हमारी हेल्प क्यों कर रही है? हमारे सामने क्यों नहीं आ रही? दीदी अभी तो कल सुबह रिंकू के घर जाकर उसकी सोल संपर्क मशीन को ऑन करके ही पता चलेगा। यस, अब विवान को जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं वापस आ चुका हूं।